संघर्ष एक ऐसी चीज जो हमारे खून में भी लिखी हुई है, और संघर्ष ही वो रास्ता है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह की सक्सेस तक जा सकते हैं। और संघर्ष हमें विरासत में मिली है। बहुत से लोग आएंगे कहेंगे हमने संघर्ष कराया, हमने ये कराया, लेकिन गोल सच्ची बात तो ये है कि लोगों की गाड़ियों के टायर भी इतने नहीं घिसे जितने जननायक चौधरी देवीलाल ने संघर्ष कर करके घूम घूम के अपनी जूतियाँ घिसा दी। तो एक बहुत बड़ी बात है, और संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जी आजीवन चलना है तो ये चलता रहेगा जी हमेशा के लिए। आज यहाँ पर पहुँचे हैं पदाधिकारियों की बैठक के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, पदाधिकारियों की आज बैठक इस करके ली गई थी कि पिछले 2-4 महीनों में प्रदेश के अंदर कई सारी परिस्थितियाँ बदलती गई, जिस प्रकार से युवाओं की साथ जो नाइंसाफी हो रही है, 28 से ज़्यादा, 29 से ज़्यादा, हाल ही में 2-3 दिन पहले भी पेपर लीक हुए थे, 29 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। उसके अलावा अब बुज़ुर्गों की पेंशन काटने की बात कर रही है सरकार। धीरे धीरे जिस प्रकार से ये सरकार लोगों के साथ नाइंसाफी करने का काम कर रही है, किस प्रकार से सरकार की पूर्ण रूप से खिलाफत करी जाए, जनता के बीच में ये मुद्दे लेके जाए जाए, उसके मद्देनजर रखते हुए बैठक रखी गई थी। पंजाब में बलबीर सिंह राजेवाल सीएम के कैंडिडेट किसान सिंह मूसा कह रहा है कि सीएम के कैंडिडेट हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो पंजाब का मैटर है, हरियाणा को कोई मैटर हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। मंत्रिमंडल विस्तार फैसला है इसके ऊपर, पंजाब के लोगों ने करना है। मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला, जेजेपी टूटन से बचाव के लिए मंत्री बना रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो बचेगी पार्टी, टूटेगी नहीं? देखो जी, सत्ता का लालच दोनों को ही है, भाजपा को भी है और जजपा को तो बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या नहीं लिए जाते जी, हमें इस बात से मतलब नहीं। हमारा जो मेन मकसद है वो जनता के बीच में जाना है, जनता को इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जोड़ना है, और जनता की आगे आने वाले समय में सरकार बनाने का। भविष्य में कहा जा रही है परिवार इकट्ठा हो सकता है, संभावना है, हो सकता है? कौन कह रहा है? चर्चाएं जी, चर्चाएं तो 2 साल से मैं घनी बार सुनता हूँ, हर दूसरे महीने आ जाती है। आपका क्या? लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मेरा क्या कहना है जी, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने साफ कह रखा है गद्दारों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने आज ही नहीं, हमेशा से जब जब किसी ने पार्टी को अंदर से ख़राब करने की कोशिश करी है, उन्होंने हमेशा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का काम कराया है। फिर चाहे वो पार्टी का कोई आम कार्यकर्ता हो, कोई मंत्री हो, कोई एमएलए हो, चाहे उनका खुद का पोता, गद्दारों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। अर्जुन चौटाला का आज मत क्या रहेगा, परिवार इकट्ठा हो या ना हो, आज अर्जुन चौटाला आपका क्या मतलब, क्या सुझाव? अर्जुन चौटाला का कहना यह है कि प्रदेश की जनता के साथ इंसाफ होना चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के साथ इंसाफ होना चाहिए, प्रदेश के युवा के साथ, प्रदेश के बुजुर्गों के साथ, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। पंचायत चुनाव आने वाले हैं तो विनालो चुनाव लड़ेगी या कार्यकर्ता? हमारा कार्यकर्ता हमेशा से लड़ता आया है, पर पंचायत का जो गांव का चुनाव है हमेशा से गांव के आपस का मैटर होता है। तो इस करके जो ग्रामीण लेवल पे जो चुनाव होता है हम अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, वो कार्यकर्ताओं की मर्जी होती है। कई बार गाँव के अंदर सब समिति से भी सरपंच बनता है, कई बार गाँव के अंदर लड़ने वाले चाहे 3 हो, 4 हो, चारों कैंडिडेट एक पार्टी के हो सकते हैं। तो ये गाँव वालों का आपस का मैटर है, गाँव का मैटर है, ये हमेशा हमने गांव के अपने कार्यकर्ता के ऊपर छोड़ा।